सब इतने भावुक क्यों हो गए? सुदामा, ये अश्रु दुख के नहीं है, प्रसन्नता के हैं। तुमने अद्भुत अभिनय किया। हाँ सुदामा, तुमने आज सबको रुला दिया। ये सब क्या बोल रहे हैं? मैंने इन्हें कब रुलाया? हमारी रामलीला का ये दृश्य सदैव के लिए लोगों को स्मरण रहेगा। अद्भुत सुदामा। क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ सुदामा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। प्रातः तुक तो मुझे कुछ स्मरण नहीं था, मेरा प्रदर्शन अच्छा कैसे हो गया? कान्हा, ये सब तुमने किया ना? सुदामा रामलीला में भरत के किरदार के लिए सज्जा नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपनी लीला से निद्रा में लीन कर दिया। तुम्हारी लीला अद्भुत है कान्हा। दाओ, अब आगे की लीला आप संभालिए। सुदामा, सभी सच कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है तुमने। ऐसा ही होता है जब किसी बात से परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो हमें स्मरण नहीं रहता कि हमने क्या किया है। वाह दाओ, कितनी चतुराई से आपने परिस्थिति को संभाल लिया। कान्हा, बताओ ना, सब ठीक होगा ना? कान्हा, बाकी सब कुछ भी कहे, परंतु मैं जानता हूँ तुमने कुछ विशेष बात है। जो भी हुआ है तुमने किया है, सब तुम्हारे कारण हुआ है। चलिए दाऊ, अब पुनः रामलीला में सम्मिलित होने का समय हो गया है। 14 वर्ष के वनवास कार्यकाल में एक दिवस श्री राम और माता सीता वन की शांति का आनंद ले रहे थे। तभी सीता माता की दृष्टि वन से जाते हुए स्वर्णमृग पर पड़ी। आ गया स्वर्णमृग। अरे धेनुक, इस छाया कार्य का उत्तरदायित्व वृंदा निभाती है, परंतु वो स्वयं मंच पर अपनी भूमिका निभा रही है, तो अब तुम्हें उसका उत्तरदायित्व निभाना चाहिए ना? ठीक है, मैं करता हूँ। श्री राम, क्या आपने स्वर्णमृग को यहाँ से जाते देखा है? वृंदा, मृग आ रहा है। अरे भाई शीघ्र करो, यदि तुमने अपने कार्य को नहीं संभाला तो रामलीला यही रुक जाएगी। मैं तो स्वयं ही नहीं चाहता कि रामलीला रुक जाए, तब तक जब तक कि कृष्ण का हरण नहीं हो जाता। अब धेनुक के साथ खेलने का समय आ गया है। ये तो टूट गया, अब मैं क्या करूं? इस रामलीला को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने वास्तविक रूप में आना पड़ेगा। ये स्वर्ग में घर क्या? जब पुनः स्वर्ण मृग दिखा तो सीता माता ने कहा, प्रभु मुझे वो स्वर्ण मृग चाहिए, क्या आप उसे मेरे लिए लाएंगे? काना, जाओ और मृग को पकड़ कर लेकर आओ। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं? ये मृग नहीं, गधा है। एक ओर प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए गए और दूसरी ओर सीता माता पर भयंकर संकट आने वाला था, क्योंकि सीता माता का हरण करने स्वयं रावण आने वाला था। परंतु ये रावण है कहाँ?
कल की रामलीला में रीता हरण नहीं उस कृष्ण का हरण होगा। अब समय आ गया है मेरी योजना को क्रियान्वित करने का। इसे इस फल का लालच देकर सीता हरण के संदूक में डालकर तालवन ले जाऊंगा। आओ कान्हा, आओ आओ ले लो। खाओ कान्हा खाओ, इसके बाद तो तुम्हें मेरे सारे गधों की लात ही खानी है। अब जब इसके नेत्र खुलेंगे ये तालवन में होगा। रावण मेरा अपहरण करने अब तक क्यों नहीं आ रहा? मैं अभी रावण को लेकर आई। ये सब हो क्या रहा है? ये धनु कब आएगा? ये सीता हरण करेगा भी नहीं। ये सीता हरण अध्याय में बच्चे क्या कर रहे हैं? धनु आप भी जाओ ना, मेरा अपहरण करना है। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, अभी चलो, शीघ्र चलो। मैंने कहा ना तुम चलो, मैं सीता हरण के लिए बना संदूक लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कहा ना तुम अभी के अभी चलोगे और सीता हरण आराम करोगे। यदि कान्हा जाग गया तो वो यहाँ से भाग जाएगा। मुझे शीघ्र ही उस संदूक को किसी और सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। और ऐसे हुआ सीता माता का हरण। और फिर रावण अपने पुष्पक विमान से माता सीता को अपनी लंका की ओर ले जाने लगा। रावण ले जाओ सीता को लंका। सीता? हाँ 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 हाँ। अकस्मात ये संदूक इतना भारी कैसे हो गया? ऐसा दुर्बल रावण है हमारा। इसे देखकर तो स्वयं भगवान भी हंस पड़ेंगे। मेरे भ्राता की लीला के समक्ष बड़े से बड़े बलवान भी दुर्बल पड़ जाते हैं। धेनुक तो फिर भी एक गर्दभी है। सभी के समक्ष मेरा ये भेद खुल जाएगा कि इस संदूक में मैं सीता का नहीं अपितु कृष्ण का हरण कर रहा हूँ। संदूक को खोलो। हाँ धेनुक, संदूक खोलो, हम सभी उसे देखने के लिए आतुर हैं। देखो कान्हा भी आ गया। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। यदि कृष्ण यहाँ है तो संदूक के अंदर कौन है? कन्हैया, कन्हैया आया। वृंदा? कन्हैया, कन्हैया,
लंका आ गए। आया गोपाल कन्हैया, आया नंदलाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। अंततः ये संभव कैसे हुआ? कृष्ण के रहते कुछ भी असंभव नहीं है धेनु।